Hello and welcome to the class 11th online biology classes. And in this video, we are starting chapter number 6, Anatomy of Flowering Plants from class 11th NCERT biology book. Let's start the chapter. You can very easily see the structural similarities and variation in the external morphology of the larger living organism, both plants and animals. यानी आप जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है या वेरिएशन है एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी में, यानी जो बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स हैं, उनको बड़े आसानी से पहचान सकते हैं लार्जर ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो. ठीक है, तो हम उनके जो एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी है उसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी और वेरिएशन पता कर सकते हैं. सिमिलरली इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेज. कि अगर किसी को इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी भी करनी है तो कुछ क्या मिलेगा उसके अंदर, सिमिलरिटीज भी मिलेगी और डिफरेंसेज भी मिलते हैं. दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स. और ये चैप्टर क्या बताएगा आपको, एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर बताता है और जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी किस तरह से हायर प्लांट्स के अंदर डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज अरेंज होते हैं ताकि एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बन सके, वो इसके अंदर स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटोमी. ठीक है, अगर हम किसी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे बोल देते हैं हम एनाटोमी. प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट. Cells are organized into tissues and in turn the tissues are organized into organs. Plants जो है वो cells, plants के अंदर जो cell है वो basic unit होती है. Cells जो होती है वो tissues में organized होती है और tissues जो है वो organs बना लेते हैं. Then different organs in plants show difference in their internal structure. और जो अलग अलग organ होते हैं plant के अंदर उनमें उनके internal structure में difference होता है. Within angiosperms, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. और जब हम angiosperm की बात करते हैं तो जो monocot और dicot होते हैं वो भी anatomically different मिलते हैं, यानी उनका internal structure क्या होगा, different होता है. So internal structures also show adaptations to diverse environments. और जो internal structure है वो जो diverse environment है उसमें adaptation show करता है. So let's start with the topic 6.1, the tissues. ठीक है, अब हम वन बाय वन इसके जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो पढ़ लेते हैं कि जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं प्लांट की तो हमें क्या क्या उसके अंदर देखने को मिलता है. तो सबसे पहले हम टिश्यूज की बात करते हैं कि प्लांट के अंदर जो टिश्यूज हैं वो कितने तरीके के टिश्यूज हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं. सो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन and usually performing a common function. एक तो टिश्यू जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती है. ठीक है, हमेशा याद रखें कि जब भी कोई टिश्यू आपको बोलता है तो इसका मतलब वो ग्रुप ऑफ सेल्स की बात कर रहा है. तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स का एक तो ओरिजिन कॉमन होता है और जो उनका फंक्शन होता है वो भी कॉमन होगा, यानी वो एक ही फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज. और जो एक प्लांट है वो अलग अलग टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है. टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, नेमली मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्मड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट. तो जो हमने यहाँ पे जो टिश्यूज हैं प्लांट के वो दो मेन ग्रुप में होते हैं, एक तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. और इसका जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि सेल डिवाइड कर रही है या नहीं कर रही है. डिवाइड करती रहती है तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में ज्यादा आता है और जहां सेल डिवाइड करना बंद कर देती है तो परमानेंट टिश्यूज हो जाते हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. सो ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिविजन कॉल्ड मेरिस्टम. जो ग्रोथ है प्लांट में वो लार्जली कहाँ पे होती है, एक स्पेशलाइज रीजन होता है जहां पे एक्टिव सेल डिवीजन चलता रहता है, उसे बोलते हैं मेरिस्टम्स. ठीक है, और मेरिस्टोस जो है मींस डिवाइडेड, ये ग्रीक वर्ड से डेराइव है मेरिस्टोस,
इसका मतलब है डिवाइडेड। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं हम जहां पे सेल एक्टिवली डिवाइड कर रही होती है, मेरिस्टम। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टम्स, प्लांट्स में अलग अलग तरीके के मेरिस्टम्स होते हैं। द मेरिस्टम्स विच अकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम्स। कि वो मेरिस्टम्स जो टिप ऑफ रूट्स में होते हैं या शूट की जो टिप होती है उनपे होते हैं और वो प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं, तो उसे बोल देते हैं एपिकल मेरिस्टम कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका कि ये जो हमारा रूट एपिकल मेरिस्टम आ जाता है इसके अंदर। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दे रखे हैं, ये रूट के पार्ट दिए हुए हैं इसके अंदर, ये शूट के पार्ट दे रखे हैं। तो ये शूट का सबसे ऊपर का टर्मिनल पार्ट होता है और ये रूट का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है। तो एक बाहर सबसे आउटर मोस्ट रूट कैप होगा, ये जो पोर्शन है वो इनिशियल ऑफ कैप है, इसमें जो इनिशियल्स है ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। ठीक है, ये इनिशियल होता है किसका, एक तो सेंट्रल सिलेंडर है और ये क्या है यहाँ पे कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के इस पोजिशन में अगर हम देखते हैं तो प्रोटोडर्म होता है, ये कॉर्टेक्स कंटिन्यू दिखा रखा है इसके अंदर और सेंट्रल सिलेंडर है, यहाँ पे शुरुआत हो रही है इसकी। ठीक है, और जो ये रीजन दिखा रखा है इसके अंदर, यहाँ पे रूट जो है एपिकल मेरिस्टम होता है, ये वाला जो रीजन। ऐसे ही अगर हम शूट में देखते हैं तो जो लीफ प्राइमोडियम बनता है यहाँ पे, इससे लीफ बनेगी, ये शूट एपिकल मेरिस्टमेटिक जोन है। ये क्या है, मेरिस्टमेटिक जोन, और ये शूट एपिकल रीजन होता है। ये एक्सिलरी बड्स बोली जाती है एंड डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू, और जो ये ग्रीन कलर का दिखा है डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू होता है। सो रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द ऑफ ए रूट व्हाइल द शूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। कि जहां पे एक तरफ अगर हम देखें जो रूट एपिकल मेरिस्टम है वो तो कहां पे प्रेजेंट होगा, रूट की टिप के ऊपर, जबकि जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो सबसे दूर यानी जो आखिरी एंड होगा स्टेम का वो वहीं पे प्रेजेंट होता है स्टेम एक्सिस का। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। ठीक है, जब क्या बन रहा होता है, लीव्स बन रही होती है और इलोंगेशन हो रहा होता है स्टेम का, तो जो कुछ सेल्स होती है वो पीछे रह जाती है और कहां पे, फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। ये पीछे छूट गया, छूटा हुआ रीजन है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सिलरी बड बोल देते हैं। ठीक है, मेरिस्टम इधर से बढ़ता हुआ जा रहा था लीफ बनते समय, लेकिन कुछ रीजन पीछे रह जाता है, वो बोला जाता है एक्सिलरी बड। तो सच बड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल्स ऑफ लीव्स एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और ए फ्लावर। तो ऐसी बड्स जो होती है वो एक्सिल में प्रेजेंट होती है लीव्स के, और क्या कर सकते हैं, वो कैपेबल होती है, या तो वो ब्रांच बना सकती है या फ्लावर बना सकते हैं। द मेरिस्टम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। वो मेरिस्टम जो दो मैच्योर टिश्यू के बीच में बनता है उसे इंटरकैलरी मेरिस्टम बोल देते हैं, बोला जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, यानी दो रीजन के बीच में बनेगा, दो मेरिस्टम के बीच में बनेगा, अगर एक बनने वाला इसके ओ दो बिटवीन मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टम बनता है उसे इंटरकैलरी मेरिस्टम कह देते हैं। सो दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। और क्या करते हैं, वो ग्रासेस में मिलते हैं हमें, और रीजनरेट जो पार्ट होते हैं वो जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स होते हैं, ग्रेजिंग मतलब जो चरते रहते हैं, चरने वाले हर्बीवोर्स जो होंगे वो क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, ओके, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम्स बिकॉज दे अपीयर अर्लियर इन लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो जो एपिकल मेरिस्टम है या और इंटरकैलरी मेरिस्टम है, मेरिस्टम्स जो है,
वो प्राइमरी मेरिस्टम बोले जाते हैं क्योंकि ये अर्ली लाइफ में दिखाई देते हैं प्लांट के, और इन्हीं से जो मेन प्लांट बॉडी होती है यानी प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। द मेरिस्टम मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मेच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सेस एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम इज कॉल्ड द सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। यानी वो मेरिस्टम जो मेच्योर रीजन में मिलता है रूट्स के या शूट के, पर्टिकुलरली उसमें क्या होते हैं वुडी एक्सेस होता है एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टम, और प्राइमरी मेरिस्टम के बाद में ये दिखाई देता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम। पहले प्राइमरी बनेगा फिर सेकेंडरी। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, ये क्या होते हैं सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स होती हैं। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम। तो अगर हम लेटरल मेरिस्टम की बात करते हैं तो उनके जो एग्जाम्पल मिलेंगे हमें वो क्या क्या मिलता है कि फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम एटसेट्रा। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यूज, इनके हेल्प से क्या बनता है सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं। फॉलोइंग डिविजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एंड एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम्स द न्यूली फॉर्म सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज एंड लोज द एबिलिटी टू डिवाइड। तो जैसे ही डिविजन होता है सेल का, दोनों के केस में प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी मेरिस्टम हो, जो न्यूली फॉर्म सेल होती है वो स्ट्रक्चरली और जो फंक्शनली है वो स्पेशलाइज होती है, और अपनी जो एबिलिटी है क्या करने के लिए डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को खो देती है। सच सेल्स आर टर्म्ड परमानेंट और मैच्योर सेल्स, ऐसी सेल को हम परमानेंट और मैच्योर सेल्स कहते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू, और क्या होता है उसके अंदर परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही थी तो स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यूज, जो फॉर्मेशन था प्राइमरी प्लांट बॉडी का तो स्पेसिफिक रीजन जो थे एपिकल मेरिस्टम के वो क्या बनाते हैं डर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्या होंगे एपिकल मेरिस्टम क्या क्या बनाता है, एक तो डर्मल टिश्यू बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं या वेस्कुलर टिश्यू बनाने का काम करते हैं। ओके, दिस नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।